अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ विलायती वीडियो फ्रॉम एंटीक गोट फार्म। ये वीडियो में आपको सारे विलायती देखने मिलेंगे इंशाल्लाह। रिस्कान भाई के साथ में है, जहाँ आपको एक से एक मेंढिया हम दिखा रहे हैं आज सुबह से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सो कितने विलायती हैं यहाँ पर भाई? यहाँ कुछ 8 विलायती है। 8 है, 12 में है, 4-8 विलायती। तो पालने वाले भी हैं और कुर्बानी के लिए? सब पालने वाले ही बच्चे। ओके, और ये सब कौन सी नस्ल है, क्या है, आप बता रहे थे, बताइए ना थोड़ा। भाई ये पठानकोट ब्रीड है, इसमें सुरंगिनी, पठानकोट, हिमाचल जो बच्चे लोग बोलते हैं जी, वही बच्चे। इनका क्या खासियत है बताइए ना थोड़ा। भाई ये लड़ाई के काम के बच्चे बहुत एग्रेसिव, आप देख सकते हो, बहुत मजबूत देखो ना। अभी दो दांत के बच्चा है, 76 केजी, एक महीना पहले वजन किया हुआ इसका, तो अभी तो 80 हो गया होगा। हाँ, लेकिन अपन 76 बोल के देगी, अपने जो काटा एक महीना पहले किया हुआ है वो बोल के देगी इंशाल्लाह। और अभी फ्रेश दो दांत हुआ है बच्चा। क्या कीमत में आ जाते हैं भाई? अलग अलग रेंज के मेंढे, अभी ये मेंढे का अपन 43 कोट कर रहे हैं। 43? हाँ। और वजन में 76? वजन में 80 भी हो सकता है, लेकिन 76 अपना काटा किया हुआ है एक महीने के आसपास का। सही। और ये मतलब एकदम तैयारी पे आएंगे तो वो हिसाब से इन पे फाइट भी हो सकती है? हाँ, ये अभी समझो ना, वहाँ से तो कैसे है, वहाँ रेडी बच्चे रहते हैं, अभी वहाँ से जो बच्चा आता है ना, लड़ता ही है बच्चा, लेकिन कैसा रहता है, ये लड़ाई किए हुए बच्चे, देखो इनकी जो सींगों पे डाग है, चेकिंग करा देना उन लोग। हाँ, चेकिंग करा हुए निशानी है उसकी, देखो सींगों पे बिना लड़ाए डाग नहीं पड़ते भाई, ये डाग जो सब चेकिंग वाले। हाँ, ये चेक हुए हुए बच्चे, लेकिन ये देखो दांत भी अभी दो किया है, देखो आप फ्रेश अभी दो किया, पूरा गुलाबी है, अपने हिलाई नहीं है बारिश। और ये वजन में कितने चले जाते हैं भाई? ये बच्चा अगर कोई एक साल पालेगा तो इंशाल्लाह 110-120 किलो जाना मांगता है अपने अंदाज से। बाकी आप रखेंगे पलाई पे? हाँ, बाकी बनाने वाली ज़्यादा अल्लाह की। ओ, सीधा आएगी आपको भाई, बहुत। आप खोलने मेरे को बोल रहे थे, मैं आपको बोला टाइम लग रहा है, आप बोल रहे थे देखो, आप एग्रेशन देखो उसका, देखो ना एग्रेशन कितना है। और ये वाला क्या डिटेल पे भाई? आजम बच्चा है ये, उससे ज़्यादा एग्रेसिव है ये, कम उम्र है। हाँ, कितने महीने का होगा ये? 8-10 महीने का बच्चा है, देखिए एग्रेशन नहीं। तो सब मेंढे एग्रेसिव ही हैं पूरे भाई? ये भी बच्चा चेक किया हुआ है, देखो इसके भी उस पर डाग है, देखो ये बच्चा आजम का है। ए खाली उसका सिंग विंग देखो आप, इधर इधर पानी लेके आ। वाह, ये क्या कीमत का है? क्या बोल रहे भाई, क्या कीमत का है भाई? इसके 30,000 रुपये मांग रहे, 45। इसको पकड़ना, इसको हाथ लगा दू, ये 45-50 किलो का बच्चा है। 30,000 रुपये इसकी मांग है। आपने गामा बनाया ना, गामा? हाँ, ये उसी खानदान का बच्चा है, उसी का भाई है ये, गामा का भाई। 110 किलो के आसपास गामा बना उसका भाई है। और एग्रेशन में भी बहुत है, देखो ना भाई, रुआ आप देखो बच्चे का। वाह, कोई मसाज मांगता है। क्या बात है, फुल गुलाबी में रेडी फॉर फाइट, देखो। बहुत भारी दिया। सही है, खोल ले उसको, खोल ले। दोस्तों, वही सीरीज में अभी आपके लिए और दो शानदार मेंढे निकाले हमारे भाई ने। भाई बहुत ही नायाब कलेक्शन एक से एक निकालते जा रहे हैं आप, तो क्या डिटेल पे भाई ये बच्चा? भाई ये बच्चा भी दो दांत है और इसका वजन 76 केजी लाइफ वेट है। क्या बात है, इसके हथियार देखें आप लोग, बहुत शानदार। इसका नाम क्या है? इसका नाम किंग है, किंग। ये बच्चा भी 10-15 किलो, आसिम भाई वजन में थोड़ा कम है, थोड़ा बीमार हो गया था। अच्छा, तो जब भरेगा और इंशाल्लाह तो बहुत खुलेगा बच्चा। सिंग वगैरह भी बढ़ेगी अभी? नहीं, सिंग, हाँ सिंग तो बढ़ेगी, दो दांत है अभी, मेरे अचानक में अभी नहीं बढ़ेगी, मतलब थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है, देखो ना ये निशानी है उसकी। बराबर। और ये फुल मालिश खाने वाला बच्चा है, बहुत शानदार, फुल गुलाबी में। हैवी वेट में जाएगा भाई ये? हाँ इंशाल्लाह जाएगा, दो दांत है ना भाई, अभी देखो ना, ये देखो दोन दांत फ्रेश। और ये वाला
भाई ये वाला भी फ्रेश दो आते हैं, ये 75 केजी लाइफ वेट है, 75 बोलेगे अपन, 75 केजी लाइफ वेट है। तो ये कुर्बानी के लिए भी ले, ये बच्चा कोई एक साल पालेगा तो इंशाल्लाह बहुत ऊंचा जाएगा। ये सब एग्रेसिव है, देखो चालू हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर। और ये क्या कीमत में देने वाले मेंढे भाई? ये जो मेंढा है ना किंग 45 आस्किंग प्राइस है जी, और ये जो मेंढा है इसकी 38 आस्किंग है। ठीक है, थोड़ा बहुत निगोशिएट भी कर लेंगे। हाँ थोड़ा बहुत होएगा, लेकिन ये बच्चा कोई पालता है ना अपने पास इंशाल्लाह एकदम नायाब बना के देंगे। बनाने वाली बात देखो अल्लाह की है, मैं जितनी कोशिश करूँगा उतनी कर सकता हूँ, और इसके सिंग बहुत बढ़ेंगे। बच्चा देखो ना माशाल्लाह, चेहरा देखो अब ये साइड से चेहरा लो उसका, बहुत रोमन नोज है, रोमन नोज है एकदम हुआ चेहरा बहुत ही है। अली का कुर्बानी का मेंढा है ना, हाँ वो चेहरे में जाएगा इंशाल्लाह। तो दोनों की कीमत भी बता दी आपने, और पलाई के लिए भी शानदार है, कोई कुर्बानी भी करे तो भी बहुत अच्छी बात होगी। ये बच्चा कोई रोकेगा ना भाई तो इंशाल्लाह अपन बहुत नायाब जाएगा, बच्चा रुकने वाला बच्चा है। आप कमर देखो ना उसकी, नहीं आप सोच समझ के बता रहे होंगे लोगों को। पैर वगैरह देखो ना, पैर उसके माशाल्लाह, सींग चेहरा, पेट देखो ना भराई के बकरो ना पेटा रहता है बड़ा, ऐसा पेट है उसको माशाल्लाह भी से सही है, गर्दन वगैरह बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये सब समझने वाली बात है, कौन सा रोकें कौन सा नहीं रोकें। ये भी बच्चे रोकने के जरिए ना, ये एग्रेशन वाले बच्चे, ये भी बच्चा कोई रोकेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत रुआब वाला बच्चा है, बहुत अच्छा है। रुआब देखो ना उसका, रुआब देखो, मैं आगे से दिखाता हूँ आपको, सीधा गुस्से में ही रहते भाई लोग सब। भाई वो मैं तुमको बोला ना, वहाँ की नस्ल ही वो है, खुश हो जाता है, मालिश करो खाली बस, बहुत शानदार। और ये पालने के लिए नंबर वन, ये बच्चा लड़ाई के काम का नहीं, जरा भी लड़ेगा नहीं कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल बच्चा, बस पालो हैवी वेट पालो, हैवी वेट सही। इसके बाद क्या देखने वाले हैं भाई हम लोग? इसके बाद एक बहुत बड़ा मेंढा है, किंग कॉन्ग का भाई है, 2 दांत पे 110 किलो। चलिए तो अभी इनको ले जाते हैं और किंग कॉन्ग के भाई को लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बन्नूर टकला बन्नूर हैवी क्वालिटी में एकदम एक्सट्रीम बोलते ना, एकदम गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ठीक है भाई चलिए। अली दोस्तों विलायती के पूरे से जो शौक देखे आपने उसमें ये आपको आखिरी मेंढा और सबसे बड़ा मेंढा दिखा रहे हैं हम लोग। आप खुद लेंथ और इसका वेट गेस कर सकते हैं। हम लोग रिस्कान भाई से भी इसका डिटेल पूछते हैं, पर चेहरा और सिंग देखें आप, फुल गुलाबी चीज़ है माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है 2 दांत में 3 दांत करेगा, 2 दांत पे। 2 दांत। वज़न क्या है आपके हिसाब से? 110-100 किलो के आसपास। 110 किलो के, 100 किलो वज़न किया था मैंने, 110 किलो 100 किलो के आसपास। हाइट और लेंथ में भी काफ़ी अच्छा मेंढा, इतना बड़ा मेंढा ही नहीं है अपने पास हाइट में, एक किंग कॉन्ग में उसकी कॉपी है। तो इसका नाम क्या? किंग कॉन्ग टू गुलाबी में माशाल्लाह। और इसके कान नॉर्मली आते नहीं ना भाई ऐसे कान? नहीं, ये लोग इंडोनेशियन करते ना, जैसे कोई पठानकोट का विलायत है, लेकिन कोई बोलेगा इंडोनेशियन, फुल इंडोनेशियन चेहरा सा, नहीं नहीं है पठानकोट। अच्छा, लेकिन वैसा दिखता है इंडोनेशियन जैसा, सिंह कान चेहरा ये इसके अंदर फुल, वो बात है कि ये रिकॉर्ड कायम करे हैवी वेट, इंशाल्लाह हैवी वेट का रिकॉर्ड इंशाल्लाह कायम करेगा, आप ही शूट करना इसको, ये अपने हाथ पे मेंढा मार। तो ये अगर कोई मांगे तो देंगे क्या भाई आप? ये मेरे पास ही कोई लेगा तो ही दूंगा, नहीं मतलब कोई पलाई पे यहीं रखेगा, पलाई पे यहीं रखेगा लेके तो ही दूंगा, ऐसा बाहर सेल नहीं करेंगे? नहीं बाहर नहीं सेल करूंगा। कुछ कीमत इसकी डिसाइड की है आपने भाई? कीमत तो इंशाल्लाह पर्सनल में देंगे। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए इंशाल्लाह पलाई के साथ में इसका क्या है आप बात कर सकते हैं। सीना वगैरह अभी से देख लिया इसका, 2 दांत पे बच्चा, बहुत बड़ा मेंढा, आई थिंक अभी तक के शूट का सबसे बड़ा मेंढा है 2 दांत पे। भाई टक्कर मारता ना मेंढा को, मेंढा ऐसा गिर जाता पलटी, 3-2 इतनी, इतनी ताकत वाला है, लड़ता है मेंढा, ये भी लड़ाई का मेंढा है, लेकिन ये तो हैवी वेट का है ना। हाँ लेकिन लड़ाते नहीं आपको, सही है। तो इसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाकी मेंढों के लिए भी एक बार आप खाली अंदर की स्किन दिखा उसकी, गुलाबी है ये देखो ना, एकदम गुलाबी, खाली नहाया हुआ नहीं है देखो, माशाल्लाह खुद दिखाएगा अभी वो उठा के क्या, मैं कितना गुलाबी इंजॉय कर रहा है मालिश को, और फुल गोल हो गया, देखिए आप कितना एग्रेसिव है, चेहरा देखो अभी से आप बड़े चेहरे का,
ठीक है, आप एक बार अपने नंबर दे दें लोगों को। 9222660 व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर 8850857074। तो इसके अलावा अभी नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखेंगे लोग? इसके अलावा अपने पास बकरी है, इंशाल्लाह बकरी सेल आउट करनी है अपने को, एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी की बकरी है जी, हंसा कोटा है और एक मेवाती है गुलाबी चेहरे की, और एक बन्नूर का वीडियो, एक बन्नूर का वीडियो देंगे प्राइवेट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। ये था पूरा विलायती कलेक्शन जो एक एक करके दिखाया गया आपको। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको बन्नूर का और बकरी का। विलायती ईद बाद इंशाल्लाह लॉट आएगा, 40-50 मेंढों का लॉट आएगा। अच्छा, क्या वजन सेटअप है ना जो आपको अभी पलाई के लिए शूट करेंगे इंशाल्लाह, उधर आएगा उसमें वही पठानकोट का रेंज अलग रहेगा और मुरादाबाद के जो बच्चे थे वो अलग रहे। मुरादाबाद के बच्चे जो रहेंगे 9000 से लेके 14000 के रहेंगे और पठानकोट के जो बच्चे 15-17 जैसी क्वालिटी रहेगी वैसा बच्चा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम।